नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। गॉड ऑफ वॉर सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गेम प्ले आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पेंडोरा से जल्दी मुलाकात होने वाली है, तो वो टाइम आ गया है दोस्तों। इस एपिसोड में हमारे पेंडोरा से मुलाकात होगी। अभी तक तो हम खाली उसकी बातें ही सुनते आ रहे थे, लेकिन अभी हमारी उससे असली में मुलाकात होने वाली है। तो गेम प्ले देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। My son! My beautiful Icarus! Good. You have the Ice Storm. The Scorpion must be defeated. The Ice Storm! That is the secret of the Labyrinth. To escape it, we must assemble it! Good. You've already started. I've seen the cubes moving into place. Now, once inside, you must use the gift of Boreas. It is the catalyst that drives the labyrinth. But you... What have you done with my child? My boy! Where is my boy? Your son is dead, Daedalus. My boy, my child, no! 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 I took the gift of Hades, the liquid fire, and the ice storm to create the power of the labyrinth. Create the power! The power to create, the power to destroy. The king of the gods has forsaken me. He said that if I built the labyrinth, I would see the return of my son. He said that if I took the liquid fire... Oh, my boy. Oh, my child. तो यहाँ पे ये जो बंदा बात कर रहा था, उसका नाम डेडलेस है, जिसने ये लैबिरिंथ को डिज़ाइन किया है। ये जो सारे क्यूब्स आप देख रहे हैं, बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं, जो कि मूव हो रहे थे इधर से उधर, ये पूरा इसी ने डिज़ाइन किया हुआ है, इसी ने बनाया हुआ है। इसको ज़ियोस ने वादा किया था कि अगर वो लैबिरिंथ बना देगा तो उसके बेटे को हम वापस कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और उसके बेटे को मार दिया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे सारे क्यूब्स को मैंने एक बॉक्स के रूप में अलाइन कर दिया है और वो मिलके एक बहुत बड़ा बॉक्स बन गया है। तो फाइनली हम लैबिरिंथ में पहुँच चुके हैं। ये बेसिकली एक पजल की तरह है जिसको मुझे आगे सॉल्व करते हुए चलना है। तो देखते रहिए गेम प्ले।
तो ये पड़ाव हमारा पार हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट पड़ाव की तरफ जाना है। और ये पजल तो बहुत ही मुश्किल थी, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। तो इस पज़ल के अंदर मुझे ये फायर फ्लेम से बचना है, आग से बचना है, और उससे बचते हुए मुझे ऊपर जाके वो जो लेवर था उसको दबाना है, ताकि ये जो मूवमेंट कर रहा है ये पूरा मैकेनिज्म बंद हो जाए। और ये जो आप सीन देख रहे हैं वो मेरे फाइनल ट्राई का है, इसके पहले मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किए थे, वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं डाला है, उन सब को एडिट करके निकाल दिया है मैंने। तो ये आप देखेंगे वो फाइनल ट्राई है जिसके अंदर मैं सक्सीड हुआ हूँ। तो अब हम दूसरे क्यूब के अंदर आ चुके हैं और ये स्टेज भी एक पज़ल ही है। इसमें मुझे आप यहाँ पे एक बॉक्स देखेंगे, उस बॉक्स को मुझे एक मशीन पे रखना है जिसके वजन से वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा, आप देखेंगे बहुत जल्द। जी हाँ, मैं यही बॉक्स की बात कर रहा था। अब मुझे इस बॉक्स को एक मशीन पे रखना है। जिससे कि ये दरवाजा जो है वो खुल जाएगा, बट इसके लिए मुझे लॉजिक लगाना पड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पे मुझे वो वेट को रखना है, बॉक्स को रखना है जिसके वजन से वो दरवाज़ा खुल जाएगा, बट वो वेट को मैं इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे लाऊँ कैसे वो मुझे सोचना पड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से मैंने वो बॉक्स को ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे ला दिया, बोरा इस आइस स्टॉर्म की मदद से वो जो बॉक्स है वो पूरा उल्टा हो जाता है, जिसकी मदद से मैंने वो छोटा वाला बॉक्स को ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे रख दिया। अब बस मुझे उस मशीन पे रखना है ताकि दरवाज़ा खुल जाए। तो दरवाज़ा खुल चुका है फाइनली, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो स्टेज है दोस्तों, इसके अंदर मुझे फाइट करनी होगी बहुत सारे एनिमीज से, और उसके बाद ही मैं आगे की स्टेज पे जा पाऊँगा। तो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए फाइट।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस फ्लोर पे से बहुत सारे कांटे निकल रहे हैं। इन कांटों से मुझे बचते हुए लड़ना है, नहीं तो मैं भी एनिमीज की तरफ मर जाऊंगा। तो हमारी ये स्टेज भी पार हो जाती है और अब जो हम देखने वाले हैं वो है पेंडोरा। दोस्तों पेंडोरा से हमारी मुलाकात होगी, तो देखते रहिए। पेंडोरा एक छोटी सी बच्ची है दोस्तों, वो हेफेस्टस की बेटी है, जो जायंट जिसको हमने मारा था क्रोनोस को मारने के बाद में, तो ये वही है, उसकी बेटी है। Pandora! What has he done? He told me to never talk to you again. He told me if I did, he would hurt you the way he hurt my father. He won't. He told me he would kill you. He can't. We must leave this place. Come, I can show you the way. तो पेंडोरा से मुलाकात होते ही पेंडोरा बोलती है कि आप मेरे पास मत आइए, नहीं तो ज़ियूस आपको मार डालेगा जैसे मेरे फादर को उसने मार डाला है। Careful,
तो ये एक और पज़ल सामने आ गई है दोस्तों। इसमें जो पेंडोरा जब वो बॉक्स के अंदर गई थी, तो अब उसमें बहुत सारे ब्लेड्स घुसने वाले हैं, और उनको घुसने से पहले ही मुझे पेंडोरा को वहाँ से बाहर निकाला है, नहीं तो पेंडोरा मर जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही पेंडोरा उस केज के उस तरफ जाती है, हमें उसकी चीख सुनाई देती है। लगता है कि वो मुसीबत में है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पेंडोरा बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो एक ग्लास के बॉक्स में बंद हो चुकी है। आई डोंट नो कैसे वो वहाँ पे फंसी, बट अभी हमें उसको निकालना पड़ेगा बाहर। और ये भी एक पज़ल है दोस्तों, पेंडोरा को वहाँ से फ्री करना भी एक पज़ल है। तो देखिए मैं कैसे इस पज़ल को सॉल्व करता हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे ही उस स्टेज को बाहर खींचा, पेंडोरा के बॉक्स में पानी भरना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अब वो डूब सकती है पानी से, तो मुझे उसको पहले ही बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगी। तो मुझे लगा कि शायद पेंडोरा मर चुकी है क्योंकि वो पानी से डूब गई है, बट ऐसा नहीं था दोस्तों। पेंडोरा एकदम ठीक ठाक थी, हेल्दी थी। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो के एंड में आ चुके हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।